प्राइस इनका वो सामने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये किलो के हिसाब से लिंग होता है, और कितना की ख़रीदारी करी है हमने आज वो भी बताऊंगा आपको। वो भी सीधा 1.75 का वो है, 1 लीटर 550। तो ये हमारी पहाड़ी भालुओं की भीड़ है भाई यहाँ पे लगी हुई, वैसे तो पूरे मार्केट में ही भीड़ है पूरी। तो जय श्री राधे दोस्तों, भाई कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज भाई हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी पोलैंड के अंदर ईस्टर आने वाला है। तो कल 31 और 1 अप्रैल को भाई बंद है यहाँ पे, ईस्टर की छुट्टियाँ हैं तो सारी दुकानें वगैरह बंद रहेंगी यहाँ पे। तो इसके चक्कर में भाई हम लोग आए हुए हैं, सब दोस्त लोग मिलके यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, क्योंकि हम जाने वाले कल पिकनिक पे कहीं बाहर टूर पे। तो इसका पहले सामान की ख़रीदारी करेंगे, क्योंकि कल के दिन जो है वो सारा मार्केट क्लोज रहेगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं भाई आगे। तो ये है भाई यहाँ का सेंटर शॉपिंग मॉल गैलेक्सी। तो यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है भाई, यहाँ पे नीचे लोग कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। तो चलो भाई लोग, अभी ये आ गए हम, ये सामने क्रॉप है, ये भी कपड़ों का शॉपिंग शॉप है यहाँ पे। और जहाँ हम जा रहे हैं ये आगे भाई, ये ओसुंग है, तो ये मार्केट का नाम ओसुंग है, वो सामने देख सकते हैं आप, नाम लिखा हुआ है रेड कलर में। तो ये है यहाँ पे ग्रोसरी का सबसे अच्छा और सबसे चीपर मार्केट। क्या हुआ? तो पहले भाई लोग भाई ऊपर जा रहे हैं, थोड़े वहाँ ऊपर देखेंगे, कुछ शॉपिंग करने की सोचेंगे, ऊपर से कुछ लेना है भाई ने। तो ये है नीचे का नज़ारा। तो भाई अभी आए हम मैट्रेस में, तो ये यहाँ पे स्पोर्ट्स का सामान और स्पोर्ट्स के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। तो ये नीचे लगी हुई है भाई यहाँ पे, जो छोटी छोटी बाइक होती हैं, तो ये वाली बाइक लगी हुई है यहाँ पे, और इस साइड लगे हुए हैं कपड़े। तो भाई भाई यहाँ पे जो इंडिया जा रहे हैं वो अपने लिए हल्की फुल्की जैकेट देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जैकेट की जो क्वालिटी होती है वो आप देख सकते हैं। तो गाइस भाई अभी पहुँच गए हम ओसुंग में। तो ये यहाँ पे ग्रोसरी का जो मार्केट है सबसे चिपर मार्केट है यहाँ पे, तो हम भी इसी में जा रहे हैं भाई। तो यहाँ से अपना कल का जो पिकनिक का सामान है वो भी रखेंगे, और वो जो भाई इंडिया जा रहे हैं वो थोड़ा चॉकलेट वगैरह लेंगे यहाँ से। तो चलते हैं भाई अंदर, अंदर का दिखाते हैं आपको। भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि कल और परसों यहाँ तक 2 दिन बंद है, इसलिए यहाँ पे भीड़ काफ़ी है भाई, सारे लोग आ रखे हैं। तो भाई साहब ये है भाई अंदर का नज़ारा, यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह सारा कुछ ए टू जेड सामान मिल जाता है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा प्राइस भी मिल जाता है। तो चलते हैं भाई, हम लोग तो खाने पीने का सामान रखेंगे पहले। तो ये यहाँ पे भाई पेड़ भी लगे हुए हैं, फूल के पेड़ आप देख सकते हैं, ये अपने जो होम गार्डन होते हैं उसके लिए लगे हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस ये है भाई यहाँ पे मीट का सेक्शन, तो ये यहाँ पे सी फूड लगा हुआ है, तो सामने की तरफ मच्छी वगैरह, वो आगे की तरफ मीट सेक्शन है पूरा। तो ये है नॉन वेज सेक्शन, तो ये यहाँ पे सारे फ्रोजन फिश लगी हुई हैं, जो 19 जुलाई से स्टार्ट होती है इनका प्राइस। तो ये बादशाह फिश है, और जो यहाँ पे फ्रेश फिश लगी हुई है वो सामने आप देख सकते हैं भाई, ये वो वहाँ पे मच्छी लगा रहे हैं वो देख सकते हैं आप, और प्राइस इनका वो सामने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये किलो के हिसाब से है। तो भाई ये यहाँ पे चिकन का प्राइस देख सकते हैं, ये सारे लेग पीस लगे हुए हैं 12-12 जलोती के, और 28 जलोती का भैया बोनलेस। तो ये चिकन का प्राइस है यहाँ पर। तो अभी हम आगे से भाई खुला चिकन लेने वाले हैं, क्योंकि ये पैकेट का जो रेट है ये एक्सपेंसिव होता है खुला चिकन से। तो चलो चलते हैं आगे। ये यहाँ पे पिज़्ज़ा काउंटर भी है ना, यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह भी मिल जाता है अंदर ही, सारे सामने ओवन लगे हुए हैं पिज़्ज़े के। तो ये यहाँ पे भाई चिकन ले रहे हैं, तो सामने वो हमारे लिए चिकन रख रहे हैं अभी। तो भाई भाई ने यहाँ पे रख लिया है चिकन, ये कल हमारा पिकनिक के लिए है। और यहाँ पे भाई साफ़ सफाई की गाड़ी भी इस तरह की होती है, क्योंकि ये जो अंदर ये मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है, ये यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल और ओनियन वगैरह लगा हुआ है। तो चिकन रख दिया भैया आपने? चलो ठीक है। तो चलो यहाँ से भाई फ्रूट रख दिया हमने, ये फ्रूट रख रहे हैं हम लोग, ये भी कल के लिए है सारा पिकनिक का सामान।
भाई आप मार्केट में भीड़ देख सकते हैं, इतने सारे लोग आ रखे हैं भाई। यहाँ आज इतना वो हो रहा है, पूरा फुल भरा हुआ है, क्योंकि सारे लोग शॉपिंग पे बिजी हैं। क्योंकि कल का जो दिन है यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। कल परसों 2 दिन जो इनका फेस्टिवल है ईस्टर, यहाँ पे तो ईस्टर के आते ही कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। चलो तो अभी मेरे दोस्त भी मिल गए भाई यहाँ पे, तो जो हमारे थाईलैंड के हैं तो वो भी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। हेलो ब्रो, व्हाट यू बाय? हाँ हाय हाय, आई डोंट नो ऑल्सो, यस आई फॉलो यू। तो भाई आज यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे काउंटर भाई फुल हो रखे हैं। क्योंकि इतनी भीड़ है आज यहाँ, इतनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि ये 2 बजे तक चालू है, अभी हमें पता चला, उसके बाद ये बंद हो जाएगा 2 बजे के बाद। तो ये यहाँ पे भाई लीकर का जो अल्कोहल है उसका सेक्शन लगा हुआ है। लिडिल नेटो, लिडिल में तो भाई यहाँ पे अल्कोहल का भाई, जल रखो बोतल, रखो ना हाथ पे, रखो बोतल और के लोगों ने कम से कम हाथ पे तो रखो। तो भाई अल्कोहल का जो ये है प्राइस यहाँ पे काफ़ी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा वो है। तो चलो भाई के लिए अभी चॉकलेट रखते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई। कौन से वाले रख रहे हो आप, कौन से वाले? तो भाई बुटका दिखा रहे हैं, वो भी सीधा 1.75 का वो है, 1 लीटर 550 ml की बोतल है भाई। तो वो भी 100 नहीं है, 143 की है भाई ऑलमोस्ट। तो ये अल्कोहल का प्राइस है यहाँ पे, तो अल्कोहल भी काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिकर जो है ज़्यादा वो होता है, सेलिंग होता है। और क्योंकि यहाँ पे सारे लोग ये जो वीकेंड में हैं बहुत इन्जॉय करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे भाई अल्कोहल भी काफ़ी मात्रा से ज़्यादा बिकता है। तो ये यहाँ पे भाई चीज़ लगी हुई है, बकरे की है ये, और ये सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ लगी हुई है। हाँ भाई जी, प्लास्टिक है वो, ये आर्टिफिशियल है। तो भाई ये चॉकलेट देख सकते हैं आप, तो अलग अलग क्वालिटी की भाई यहाँ पे, और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप देख सकते हैं ये 100 ग्राम की भाई 2 किलो है। ये देखो ये चॉकलेट की क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे, वो सामने भाई भाई चॉकलेट कोवाली नहीं यहाँ पर ना। तो भाई ये भाई ने ये वाली चॉकलेट ली है, कितनी की है? 45 की है भाई। तो भाई यहाँ पे चॉकलेट देख रहे हैं हम लोग, ये रिफेलो की है। तो जो भाई इसका प्राइस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20 जलोती का भाई। तो कितना ग्राम है ये? ये भाई 230 ग्राम का है जो पैकेट है, और ये सबसे अच्छी और सबसे महंगी एक्सपेंसिव यही है यहाँ पे चॉकलेट। तो ये हमारी पहाड़ी भाई लोगों की भीड़ है भाई यहाँ पे लगी हुई, वैसे तो पूरे मार्केट में ही भीड़ है पूरी। सामान तो हमने भाई पूरा रख लिया, और इसके बाद हम जा रहे हैं अभी बिलिंग काउंटर पे। तो पीछे से भाई लोग आ रहे हैं सामान लेके, चलो बिलिंग काउंटर का प्रोसेस दिखा देते हैं यहाँ पे कैसे बिलिंग होता है, और कितना की ख़रीदारी करी है हमने आज, वो भी बताऊँगा। तो चलो अभी आ गए हम बिलिंग काउंटर पे, तो आप भीड़ देख सकते हैं आगे कितनी भयंकर भीड़ है भाई यहाँ पे आज। तो चलो यहाँ पे ऐसा सामान रखना होता है। तो हमारा तो हो गया भाई बिलिंग, और ये उनका सामने बिल हो रहा है अभी। तो आप भीड़ देख सकते हैं भाई यहाँ, क्योंकि अभी 2 बजे तक चालू है, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। ये है, और ये यहाँ से भाई सामने से धूप लगी हुई है ऊपर से, और वो वहाँ पे वाटर फाउंटेन लगा हुआ है, और ये नीचे का नज़ारा है देख सकते हैं आप लोग। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग का डी एंड यहीं पे करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे एक अनदर ब्लॉग में। तो फिर भाई जो हमारा कल का है, तो कल का फिर से एक नया वीडियो आने वाली है। कल हमारे पास यहाँ पर छुट्टी का दिन है, और हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। तो मिलते हैं आपसे फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय।